वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जो टैंक था वो वहाँ से जाने लगा था, उसके ऐसे मटेरियल्स थे और ये चीज़ ना सारा अल्लाह जिमिन ने नोटिस कर लिया था। और जैसे टैंक वहाँ से जाने वाला था तो उसका ना जिमिन हाथ पकड़ लेता है और ना जाकू को देखने लगता है कि जिमिन क्या कर रहा है। तो ना टैंक को ना वो रोकता है और फिर कहते कि जंगकुक की तरफ मुड़ता है और उसका हाथ उसने अभी भी पकड़ा होता है और ना बिल्कुल अपनी फिंगर्स को ना उसके हाथ में ना इंटरवल कर लेता है और कहते हैं कि जंगकुक मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैंने अपने ना फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा ख़त्म करने का कोशिश किया, मूव ऑन करने का ट्राई किया, बट मैं नहीं कर सकूँ, मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा हूँ और अगर अब तुम मेरे पास आ गए तो मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। बट ये बोलता और फिर ना दो मिनट के साइलेंस होता और फिर ना टैंक की तरफ मुड़ता और फिर से बोलना स्टार्ट करता है, जंगकुक मैं ना सिर्फ तुमसे प्यार करता था, बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बट जो तुमने मेरे साथ किया उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा ब्रोकन हो गया था। वो सिर्फ एक टैंक था जिसने मुझे सहारा दिया और मेरा सारा उसने मुझे सारा केयर दिया, उसने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा और मुझे पता नहीं चला मैं कब उसके लिए ना फॉल हो गया। मैं तुम दोनों से इस टाइम प्यार करता हूँ, मैं नहीं चाहता अब मैं क्या करूँ, बट मैं तुम दोनों को ही नहीं छोड़ सकता, तुम दोनों के बगैर मैं अपना लाइफ का बिल्कुल भी ना इमेजिन नहीं कर सकती। ये सुन के ना ये बोल के ये सारी बातें ना वो बिल्कुल टैंक की आईज में देखते हुए बोल रहा था। फर्स्ट वो जिमिन ने जो भी बातें बोली थी वो ना जंगकुक की आईज में देख के बोल रहा था, बट अब जो बातें बोल रहा था ना तो वो टैंक की आईज में, और ना दोनों इस चीज़ को ना सुन के बिल्कुल शॉक हो गए थे और फिर ना दोनों ना जिमिन की तरफ घूर के देख रहे थे। और जो जिमिन था वो बस ना एक चक्कर का था, वो कहता कि ना हाँ तुम्हें सुनने में ये वियर्ड लगेगा बट मैं तुम दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मुझे नहीं पता हम क्या करना चाहिए, बट मैं तुम दोनों को ही नहीं छोड़ सकता और डिसीजन अब तुम्हारा है, ये बोलता है। और फिर ना छू करके ना वहाँ से चला जाता है उन दोनों का टाइम देने के लिए, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने अचानक से अपना फीलिंग्स कन्फेस कर दिया तो वो ना दोनों बिल्कुल शौक होंगे। और उसने फीलिंग्स इसलिए कन्फेस किया था बिकॉज उसने ना टैंक की आईज में ना वो हर्ट और पेन देख लिया था जब उसने ना अपना लव कन्फेस किया था जंगकुक से और सारा ये हो रहा था, तो उसने फर्स्ट डे को ही देख लिया था जो होटल वाला था ना सीन हुआ था, तो सारा ना वो पिछले काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा था कि टैंक का बिहेवियर, तो उससे ना साफ उसको ना आइडिया हो गया था, ऑलरेडी वो लव में रह चुका था, लव फीलिंग्स में उनको आइडिया था, तो उसको ना टैंक का ना पेन देखे और अपना वाला टाइम याद आता है, उसको ना शाम उसके आई से पता चलता कि जो टैंक है वो ना उससे प्यार करता है, जिमिन से प्यार करता है, तो ना वो बस एक गहरी सांस लेता और फिर ना नीचे ना अपने रूम में चले जाता और फिर ना रूम में जाके ना बेड पर लेटता और फिर ना बस चुप करके ना सोच रहा था कि अभी जो कुछ भी हो, तो फिर ना जो जंगकुक होता वो टैंक की तरफ देखने लगता है और जो टैंक था वो बस वहीं अपने स्पॉट पे फ्रीज खड़ा होता, तो जंगकुक उसके पास जाता और कहता कि सो तुम क्या सोचते हो, तो ना टैंक बस ना जिमिन की तरफ जो जंगकुक की तरफ घूमता और फिर ना शॉक हो गया ना बस जंगकुक की तरफ देख रहा था और कहते मुझे नहीं पता, तो फिर ना जो जंगकुक होता वो ना एक चक्कर करता और फिर कहते कि मैं जिमिन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बट तुम्हें एक पता मैं चाइल्डहुड से ना तुम पे क्रश था, मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा एडमायर किया करता था, मैं ना चाहता था कि तुम मेरे हो जाओ, मुझे नहीं पता था ये क्यों, बट बड़ा होता गया तो मुझे ऐसा लगा कि वो शायद एक अफेक्शन था, बट मैंने तुम्हें देखा कि तुम ना मोस्टली गर्ल्स के साथ रहते थे तो मुझे ऐसा लगा कि तुम ना बॉयज़ में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो मैंने एक दफ़ा ना मैं तुम्हें प्रपोज करने का ट्राई किया था बट मेरे अंदर करेज नहीं हुआ था और उसके बाद से मैंने अपने ना फीलिंग्स को छुपाना स्टार्ट कर दिया था और मैं तुम्हें ना एज ए फ्रेंड ही ट्रीट करना स्टार्ट किया, मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया बट मुझे अपना फीलिंग्स को कन्फेस करना चाहिए था, बट ना मैं उस टाइम में ना मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा क्रश था, और फिर ये सारी बातें ना सुन के जंगकुक बोल रहा था और ना टैंक की ना आईज में देख रहा था और फिर कहते कि फिर मैंने ना मूव ऑन करने का ट्राई किया, मूव ऑन करने के लिए मैंने अपना ना एक गर्लफ्रेंड बनाया,
फर्स्ट तो मुझे वो ऑड लगता था, बट ना मैंने तुमसे मूव ऑन करने के लिए ये सोच के कि ना अगर तुम्हें मेरे फीलिंग्स का पता चल गया तो हमारा फ्रेंडशिप टूट जाएगा, और मैं अपना फ्रेंडशिप बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहता था, तो मैं अपने गर्लफ्रेंड के साथ रहने लगा और मैं अपने माइंड को यकीन दिलाने लगा कि मैं तुमसे नहीं अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करता हूँ और यही सब कुछ। और इतने टाइम में मेरी लाइफ में जिमिन आ गया, मैं उससे बहुत ज़्यादा ना मुझे नहीं पता चला कि मैं उससे भी कब ज़्यादा प्यार करने लगा, और अपने ना गर्लफ्रेंड के चक्कर में चलते उस गोल्ड डिगर के ना जैसे मैं आके मैंने जिमिन को इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया, और ना अब वो देखने लगते और फिर कहते कि ना मेरी तुम दोनों मेरी डेस्टिनी हो, तो क्या तुम मेरे साथ रहोगे? उसे बोलते और फिर कहता है अब मैं फाइनली तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ, अब मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा बट मैं ना जिमिन को खो सकता हूँ ना ही तुम्हें, और अब मेरे पास भी मौका है जैसे जिमिन के पास अब मौका है हम दोनों को पाने का, तो मेरे पास भी तुम्हें पाने का मौका था। फिर ना ये बोलते हैं उसने ना हाथ पकड़ा होता है, जो तेंग होता है वो बस चंकू की तरफ शोका से देख रहा होता है ना अपना हाथ छुड़ा लेता है चंकू से, और जो चंकू का था उसके आईज में ना टीयर्स आ जाते बिकॉज उसको पता था कि ना तेंग उसको इस तरह लाइक नहीं करता, तो बस वो गहरी सांस लेता है और ना चंकू की तरफ देखता है तेंग, और फिर कहते हैं कि मुझे टाइम चाहिए, मैं मुझे नहीं पता, तो बोलता और फिर ना वहाँ से भाग जाता है, और जो जंकू को तो वह बस एक गहरी सांस लेता बिकॉज उसको ना आंसर ऑलरेडी पता था, एज उसको ना पता था कि जो जंकू का है जंकू को ना तेंग एज ना वो नहीं देखता, लव नहीं करता उसको ना, बस ऐसे एज अ फ्रेंड ही देखता, तो इस वजह से ना वो पहले भी नहीं करना चाहता था बट उसको करना पड़ा था, जो जिमिन ने ये बोला था कि वो दोनों से प्यार करता है, और ना वो नीचे भाग के आता है और वो भी अपने रूम में चल जाता है, तेंग भी अपने रूम में चल जाता है, और वहाँ ना बिल्कुल उसके आईज में ना हैप्पीनेस थी, सैडनेस थी, खुशी थी, बहुत सारे ना मिक्स्ड फीलिंग्स थे जो उसको खुद भी नहीं पता था क्या क्या है ये। और फिर ना इधर ना जो जंकू को आता है वो ना अब कन्फ्यूज होता है कि उसको नहीं पता होता कि ना कौन सा रूम किसका है, तो वो ना एक रूम पे नॉक करते हैं और जो किसी और का नहीं हमारे टैंक का था, तो फिर ना वो रूम ओपन कर देता, उसको ऐसे लगा था कि ना टैंक को ऐसे लगा था कि ये जिमिन है, तो फिर ना जो टैंक होता है वो ना जब सामने अपने सामने जंकू को खड़ा देखता तो कहते जंकू तुम या, तो जो जंकू को तब कहता आई एम सॉरी मैं जिमिन को ढूंढ रहा था, मुझे जिमिन का रूम का नहीं पता, तो टैंक कहता कि मैं बता देता हूँ ये बोलता है, और फिर ना उसको साथ लेके आता है और फिर ना उसको जिमिन का रूम दिखा देता है, और जिमिन के रूम में ना फिर जंकू चला जाता है, और अंदर जाता है तो देखता है कि जो जिमिन है उसने ना अपना ना ऐसे हेड को पकड़ा हुआ, तो उसको देखे ना थोड़ा जो तेंग होता है वो भी थोड़ा टेंस्ड हो जाता है, और फिर उसके पास जाता है और फिर कहता है जिमिन तुम ठीक तो हो ना, तो जिमिन ना थोड़ा अपनी ना आईज ओपन कर लेता है, और फिर ना तेंग की तरफ देखे ना स्माइल करता है, और जो तेंग होता है वो भी उसका ना देखे ना उसकी आई स्माइल देखे ना खुद भी बॉक्सी स्माइल करता है, और उन दोनों का इस तरह देखे ना जिमिन का जगह होता थोड़ा अच्छा फील होता है, और फिर ना वो भी उन दोनों के पास जाता है, और फिर ना जो जिमिन होता है तो फिर कहता है सो फिर अब तुम दोनों ने क्या सोचा, तो जकू की गहरी सांस लेते और फिर कहते कि तेंग जो देगा जो भी उसका डिसीजन होगा सेम मेरा भी वही होगा, तो जो तेंग तो वो बस ना जिमिन की तरफ कुछ देर तक देखता है और फिर जकू की तरफ, और फिर माइंड में सोचते कि यही मेरे पास एक चांस है, इसी तरह मुझे जिमिन मिल सकता है और किसी तरह भी नहीं, बट जकू को मुझे एक्सेप्ट करना होगा, बट मैं जकू के लव फीलिंग्स नहीं रखता, इस तरह तो जकू के लिए चीट होगा, वो मुझसे प्यार करता है, मैं अपना हार्ट, तो फिर ना वो सोचने लगता है और फिर ना एक गहरी सांस लेता है और फिर ना जिमिन की आईज में देखना स्टार्ट करता है, और फिर ना जिमिन को ना बताना स्टार्ट करता है कि जकू ने मुझे बताया कि वो मुझसे ना स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा लव करता था, और उसने मूव ऑन करने के लिए अपना ना गर्लफ्रेंड बनाया, और उसके बाद फिर तुम उसकी लाइफ में आए और वो तुमसे प्यार करने लगा, और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, जो भी हमारा लाइफ है वो बहुत ज़्यादा ना मेस्ड अप चीज़ हुई है, बट मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हें मैं नहीं खो सकता, बट तुम्हें अगर खोना हो अगर मुझे तुम्हें खोना पड़ा तो मैं अपनी लाइफ को ख़त्म कर दूंगा, तो इससे अच्छा यही है कि मैं जकू को जानूं, तो मैं जकू को ना फिलहाल तो लव फीलिंग्स नहीं करता बट मैं फुली ट्राई करूँगा उसको लव करने का, और
मुझे तुम्हारा से ना इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम दो पर्सन को लव करते हो और जब कुक भी मुझे लव करता है, तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं तुम दोनों को ना इक्वल लव दूँ। ये सुन के ना जुज्जी में ना तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो तेंग को हक ले जाए। तेंग भी ना जिमी को हक ब्रेक करता है और जिमी बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसके ऐसे ट्रेस फॉलो होते हैं और फिर ना वो हक ब्रेक करता है और फिर ना तेंग की ना बिल्कुल ऐसे चिक पे किस कर देता है और तेंग ना स्माइल करता है और फिर ना वो जकुक को भी ना जाके जकू को भी ना हक कर लेता है और जकू के ना बिल्कुल चिक्स पे किस करता था। फिर ना जो जकू को था वो ना थोड़ा सा लीन होता है, ना तेंग बस देख रहा था दोनों की तरफ, तो फिर ना वो किस नहीं करता उसको, बस उसके लिप्स के कॉर्नर पे किस करता है और फिर ना उसकी ना हल्के से नोज पे किस करता है और फिर ना वहाँ पे ना ये वाला पार्ट में यहाँ पे एंड कर रही हूँ। टाटा बाय बाय।